नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूँ रश कुगारी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में दो दिनों तक चले सत्र में गांधी की विचारधारा से बातचीत की शुरुआत हुई। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जमकर हुए और जाकर यहाँ पे खत्म हुई। चर्चा गांधी को लेकर थी तो वहाँ गोडसे का आना तो लाजमी ही था। गोडसे के विरोध में नारे भी बहुत लगे तो वहीं वीर सावरकर पर की गई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टिप्पणी पर बीजेपी विधायकों का उबाल भी दिखा। सदन में हालात बेकाबू होते भी दिखे और इसी बीच ये सवाल अब बार बार उठता रहा कि जिस मंच पर गांधी के प्रयोगों पर सार्थक चर्चा हो सकती थी वो सियासी दंगल का अखाड़ा आखिर क्यों बना। बहस का अंत गंभीर राष्ट्रवाद और उत्तेजित राष्ट्रवाद के बीच की लड़ाई के अनवरत जाने के फैसले के बीच हुआ। ऐसे में आज चर्चा विचारों पर वार पलटवार के इसी मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र का समापन गुरुवार को हो गया। पक्ष विपक्ष में तीखी तकरार के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र के दूसरे दिन भी चर्चा की शुरुआत महात्मा गांधी से हुई, लेकिन नाथूराम गोडसे को लेकर चल रहा बवाल भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। आज हम इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उन तमाम बिंदुओं को उठाने की कोशिश करेंगे कि जो वाकई गांधी की विचारधारा को मौजूदा दौर की राजनीति ने जिसको गर्त में डाल दिया है और गर्त में डाले जा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर विधानसभा के विशेष सत्र में गांधी और गोडसे को लेकर जमकर सियासी तीर चले। कांग्रेस नेताओं ने जहां गांधी जी अमर रहे के साथ गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगाए तो वहीं भाजपा विधायक गोडसे के नाम पर तो खामोश रहे। हालांकि उन्होंने विषय से भटककर हंगामा करने की कोशिश जरूर की। सीएम बघेल ने चर्चा की शुरुआत गांधी के बहाने भाजपाइयों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब आप गांधी के विचारों को अपनाने की बात करते हैं तो उसे पूरे मन से अपनाइए और इसके लिए आपको गांधी के जयकारे के साथ गोडसे मुर्दाबाद के नारे भी लगाने होंगे। ये गांधी के बिना देश और देश के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए गांधी के आवरण ये लोग ओढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि गोडसे का मुर्दाबाद का नारा ये नहीं लगा सकते। कारण है कि उस विचारधारा से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी का राष्ट्रवाद आज के राष्ट्रवाद से अलग है। गांधी का राष्ट्रवाद सबको साथ लेकर चलने का था, लेकिन आज के राष्ट्रवाद से देश कुचला जा रहा है। गांधी का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद रहा है, लेकिन कुछ लोग जिस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं वो कौन सा राष्ट्रवाद है? एक उत्तेजक राष्ट्रवाद इस देश में भी प्रचलित है, जिसका प्रतिनिधित्व बोर्ड से नीचे। तो आज जो लड़ाई है वो गंभीर राष्ट्रवाद का और उत्तेजक राष्ट्रवाद के बीच में है। जैसे एक समय स्वामी विवेकानंद ने कहा, प्राचीन समय में नास्तिक वह था जो ईश्वर को नहीं मानता, आज वर्तमान युग में नास्तिक वह है जो खुद पर विश्वास है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वीर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी से बीजेपी सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा मचाया। बीजेपी ने सावरकर को लेकर मुख्यमंत्री के शब्दों को विलोपित करने की मांग की। भूपेश बघेल ने अपने शब्दों को फिर से दोहराया और कहा कि मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा, इतिहास में दर्ज तथ्यों को ही कह रहा हूं। सदन में भारी शोर शराबे के बाद बीजेपी ने सदन की कार्यवाही से बहिर्गमन कर दिया। बीजेपी सदस्य सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए और वीर सावरकर के समर्थन में नारे लगाते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश बघेल की टिप्पणी पर पलटवार किया है। ये संकल्प लेके आते हैं कि पूरा विधानसभा संवेद स्वर में ये तय करता है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करेंगे, तो हम सब तैयार थे। ये गांधी जयंती में 150 वर्ष में घोषणा कर सकते थे। विधानसभा में नई परंपरा की हम शुरुआत नहीं कर सकते, वो परंपरा जो किसी को गाली दे किसी की मुर्दाबाद का नारा लगे। नाथूराम गोडसे की बात आई है, नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा मिले, जो किया है उसका भुगतान उसको मिलना चाहिए। लेकिन हाउस के अंदर में गोडसे ने
किसी भी को यदि मुर्दाबाद के नारा लगे तो हाउस उसके लिए नहीं है। बहरहाल गांधी ने जो दर्शन दिए, चर्चा उन दर्शनों को लेकर होनी थी, लेकिन सदन राजनीतिक मुद्दों का अखाड़ा बन गया। आरोप प्रत्यारोप के चलते इन सबके साथ इस बहस ने राज्य के सियासत को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा दे दिया है। बीजेपी ने संकेत दे दिए हैं कि गांधी के नाम पर होने वाली इस सियासत का सड़क पर प्रतिकार किया जाएगा। रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो विचारों पर वार पलटवार के इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया। आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। शिवरत्न शर्मा जी हैं, भाजपा विधायक हैं। शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। धर्मजीत सिंह जनता कांग्रेस से, वो अब से थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, विधायक हैं। और बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबूलाल शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगी शिवरत्न जी, कि कल गांधी जी की 150वीं जयंती थी, लेकिन ट्रेंड जो अगर हम सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया को देख लेते हैं, ट्विटर पर देख लेते हैं, तो ट्रेंड कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ गोट से। देखिए, आवाज नहीं आ रही जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो शिवरत्न शर्मा जी, जी जी जी, बात पूरी कीजिए। हम विधानसभा का सत्र, हाँ, गांधी जी के विचारों और कृतित्व पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करना था जो गांधी जी से जुड़ा हुआ था। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि गांधी स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में सदन की चर्चा की दिशा को, विषय को बदल दिया। जब गांधी जी के विचारों पर चर्चा होनी थी, गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा होनी थी, उसमें गोडसे कहां से बीच में आ गया? आपको गांधी जिंदाबाद कहना है, गांधी अमर रहे कहना है, तो गोडसे मुर्दाबाद करो। अरे भाई, गोडसे ने जो किया, भारत की न्यायपालिका ने उसको सजा दी, उसको फांसी की सजा हो गई। और आप आज गांधी पे चर्चा करो, गांधी जी के विचारों पर चर्चा करो, उनके कार्यों पर चर्चा करो, पर ना इनको गांधी जी के विचारों के संबंध में कोई जानकारी है, ना छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी गांधी जी के दर्शन को समझते हैं, इसलिए हम इसका राजनीतिक लाभ कैसे ले सकते हैं? इसलिए पूरी बहस के विषय को बदल दिया गया और उसको गोडसे सावरकर पे ला करके खत्म किया। और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, हम लोगों ने तो चुनौती दी कि अगर आपको वीर सावरकर और गोडसे पे चर्चा करना है तो आप विधानसभा का विशेष सत्र इस विषय पे बुला लो, इस पे पक्ष पक्ष पर डिबेट हो जाएगा। आज जो विषय है वो गांधी जी का विचारधारा पे है, गांधी जी के कार्यों पर है, हम इस पे चर्चा को सीमित करें। पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन्हें विषय बदला और उसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल को बहिर्गमन करना पड़ा। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वीर सावरकर जी को अपमानित करने वाली बात की, वीर सावरकर जी को गांधी के हत्या का षड्यंत्रकारी बताया, जबकि इतिहास का तथ्य यह है कि कांग्रेस की सरकार ने जब वीर सावरकर को गिरफ्तार किया गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में, हमारे देश के न्यायालय ने, सेशन कोर्ट ने, और सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने उनको इससे बरी किया। न्यायालय से जिस विषय पर निर्णय आ गया उस विषय को आप उठा रहे हो। आप वीर सावरकर के, विनायक दामोदर सावरकर की जीवनी को ये जानते नहीं, जिस आदमी ने अपने कार्यों के बल पर अंग्रेजों को अपनी धारणा बदलने के लिए बाध्य कर दिया गया। पुनर्जन्म की धारणा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और वीर सावरकर को 2 काले पानी की सजा दी गई थी और 11 साल वो सेलर जेल में काले पानी की सजा काट करके आए। उस व्यक्ति को आप राष्ट्रद्रोही बता रहे हो, उस व्यक्ति को माफी मांगने वाले बता रहे हो। आप वीर सावरकर को पढ़ो तो सही, पर यह सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए सब नौटंकी प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे थे, ये दुर्भाग्यजनक है। बिल्कुल, वाकई में अभी तक हमारे साथ पैनल में कांग्रेस की तरफ से कोई जुड़ा नहीं है, नहीं तो सवाल का जवाब उनसे भी बनता। बाबूलाल शर्मा जी, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से पॉलिटिकली सारे सिनेरियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं,
150वीं गांधी जी की जयंती थी, लेकिन ट्रेंड जिस तरह से मैंने अभी शिवरत्न शर्मा जी से सवाल किया कि कर रहे थे गोट से, बड़ा सवाल यह है कि गांधी जी से जब पूछा गया था कि आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो गांधी जी ने कहा था कि मैं दुनिया को कोई संदेश नहीं देना चाहता, मेरा पूरा जीवन ही एक संदेश है। लग रहा है क्या उसका अनुसरण हो रहा है? देखिए, मैं शिवरतन शर्मा जी की इस बात से सहमत हूँ कि जो दो दिन का सत्र बुलाया गया था बड़ी अच्छी भावना से बुलाया गया था, इसीलिए दोनों दल इस बात के लिए सहमत हुए थे। सारी चीजों की एक ही जैसे ड्रेस पहने थे, एक ही समवेत जैसा महसूस हो रहा था कि भाई गांधी जी के नाम पर जो है सब लोग एक होकर के यहाँ पर आ रहे हैं, उनके प्रति संवेदना भी प्रकट करेंगे, उनके इतिहास को भी बताएंगे, उनका नाम गुणगान वहां पर होगा और उनकी अच्छाइयों को सामने लाया जाएगा, उसके अनुसरण के लिए लोगों से कहा जाएगा, उनके आदर्श पर चलने के लिए कहा जाएगा, एक अच्छा माहौल बनेगा और प्रदेश की तरफ से एक अच्छा संदेश देने का प्रयास पूरे देश भर में जाए वो संदेश, और अपने अपने विचार जो है अपने ढंग से किए जाए जो सकारात्मक ही होंगे ऐसा माना गया था। लेकिन न जाने किस रणनीति के तहत या किन कारणों से ये गोडसे जी जो आए एक दिन पहले आए, ये सत्र चालू होने के पहले बयान में ही एक पत्रकार के प्रश्न के जवाब में भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री ने कह दिया कि वो अगर वास्तव में गांधी जी मतलब गांधी जी को अपनाना मतलब भारतीय जनता पार्टी जो अपना रही है वो अपनाने की योग्यता नहीं रखती, इसको साबित करने के लिहाज से उन्होंने कहा कि मैं तभी मानूंगा कि वो गांधी को अपना रहे हैं या गांधी जी उनके हो सकते हैं तब जब वो उनके हत्यारे गोडसे के मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। मतलब गोडसे मुर्दाबाद का नारा अगर नहीं लगाएंगे तो ये मानेगी जनता कि गांधी जी के हत्यारे का मुर्दाबाद लगाने में इनको दिक्कत क्या है, इसलिए जो है एक शंका पैदा होगी और जो सांप्रदायिकता की जो छाप लगी हुई है और गांधी जी के हत्यारे के रूप में जो छाप लगी हुई है जिस तरीके से संघ को जोड़ा गया है उस चीज से कि ये संघ इसमें शामिल था, संघ की विचारधारा से प्रभावित हिंदू महासभा के सदस्य थे गोडसे जी, जो प्रचलित है बातचीत जो लोगों के दिमाग में है वो बनी रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि किसी राजनीति के तहत या किसी रणनीति के तहत जो है गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के न हो पाए इसको रोकने के लिए जो गोडसे की याद फिर से पैदा करने का प्रयास और वीर सावरकर के खिलाफ बोलने का जो प्रयास हुआ विधानसभा में, तो जो मूल भावना थी दो दिन के सत्र की थोड़ी खिसकी हुई, थोड़ी बदली हुई, थोड़ी पटरी से उतरी हुई जरूर लगी। लेकिन और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो शिवरतन शर्मा जी ने आज बहुत महत्वपूर्ण एक बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने शुरुआत में ही कह दिया कि हमारे सदन में कहें या राज्य में कहें गांधी जी को देखने वाले या उस पीढ़ी के कोई भी व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है जिन्होंने उनको देखा हो सुना हो, हम सारे लोग जो बात करेंगे वो सिर्फ उनके लिए जो किताबें लिखी गई हैं जो शोध किए गए हैं उनको पढ़कर या कुछ लोगों से सुनकर के ही कोई बात कर रहे हैं। अब पढ़े लिखे और शोध किए हुए में कितनी सच्चाई है, किन किन लोगों ने अपने अपने तरीके से गांधी पर शोध किया, उसकी मीमांसा की, किन किन लोगों ने किस किस तरह से उसकी खोज की, वास्तविकता क्या है, सच क्या है और उसमें कुछ पुट क्या है झूठ का, ये जो है ये अभी विषय जो है अध्ययन का है, बहुत से तरीके से पढ़ा जा रहा है, बहुत से तरीके से लिखा जा रहा है। एक बात और कहूँ, तो इतिहास का नाम लेकर के उन्हीं किताबों के कारण जो है आज वीर सावरकर जी के बारे में भूपेश बघेल ने जो कहा उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ा होगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं ये शब्द वापस नहीं लूंगा क्योंकि ये इतिहास में दर्ज है। अब किसी और किताब और ग्रंथ में निश्चित रूप से जो है वीर सावरकर की जीवनी में वो चीजें लिखी होंगी जो शिवरतन जी शर्मा कह रहे हैं, वो उनके लिए वीर है और भूपेश बघेल जी के लिए जो है महात्मा गांधी वीर है, ये बात भी आज सदन में आई, तो अपने अपने तरीके से मीमांसा कर रहे हैं गांधी जी की और अपने अपने तरीके से वीर सावरकर उनके संत हैं उनकी नजर में और महात्मा गांधी इनके संत हैं, तो इनके उनके नहीं, महात्मा गांधी सबके संत थे, सबके थे, राष्ट्र के थे, बल्कि मैं तो कहता हूँ संपूर्ण विश्व के ही बहुत बड़े जमात के वो नेता थे जिनको माना जाता था और आज भी उनके प्रति भावनाएं वैसी हैं,
विदेशों में डाक टिकट जारी हो रहे हैं, आप देखिए। बिल्कुल वाकई में, लेकिन बाबूलाल शर्मा जी, इतिहास को बदला भी नहीं जा सकता। बिल्कुल, इतिहास को बदला नहीं जा सकता, कुछ थोड़ी बहुत चीजें एड ऑन की जा सकती हैं। ये तो फैक्ट है कि नाथूराम गोडसे ने ही महात्मा गांधी की हत्या की थी, और अगर ये एक पॉलिटिकली स्टंट था कांग्रेस की तरफ से, जिस तरह से हमने स्टेटमेंट सुने तमाम चीजें, तो जो स्टंट क्रिएट किया गया, जो पॉलिटिकली माइलेज लेने की कोशिश की गई, उसमें तो कांग्रेस पार्टी सफल हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नाथूराम गोडसे के ये नारे नहीं लगाए, मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएंगे, तो वो तो कहीं ना कहीं चरितार्थ हुई ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, वो अपने उद्देश्य में सफल रही है। और मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं आपको बता दूं, जनता के बीच की बात मैं कह रहा हूँ, मैं मेरे मन की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई बौद्धिक चर्चा में हिस्सा ले रहा हूँ, मैं अपने जनता के बीच में जो बातें चलती है वो बता रहा हूँ। जनता के बीच में इस बात को, ये बात स्पष्ट है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, बड़ी साफ बात है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। और वो भारतीय जनता पार्टी इससे इनकार नहीं कर सकती, वो कह भी रहे हैं सुरेंद्र शर्मा जी कि उसने हत्या की, उसने उसको उसने स्वीकार भी किया मैंने हत्या की, और उसका कारण भी बताया। कारण खैर हत्या, कोई हत्या करने वाले का कारण हम सही नहीं मानते, लेकिन जो है वो उन्होंने जो है उसको फांसी हुई, उसको सजा हुई, बात खत्म हो गई। लेकिन जो वो जो सांप्रदायिक छवि आरएसएस से जोड़कर बनाई गई, वो सांप्रदायिक छवि जनता के नजर में है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, ये दिमाग में बैठाया गया सबके, और लगभग बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोग सोचने वालों की है। वो सांप्रदायिक ये जो है गांधी जी को अपना लेने से, भारतीय जनता पार्टी यदि गांधी जी को अपना लेगी, गांधी गांधी करेगी, तो वो सांप्रदायिक छवि उसकी कमजोर पड़ेगी, और जनता के बीच जो है वो दृश्य बदल न जाए, इस रणनीति की तहत या इस राजनीति के तहत हो सकता है, मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। जनता के बीच ये चर्चा है कि कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है यहाँ गोडसे को जब तक जिंदा नहीं रखेंगे, खाली गांधी को अगर अपनाते जाएगी भारतीय जनता पार्टी, गोडसे जिंदा नहीं होंगे या चर्चा में नहीं आएंगे, तो गांधी जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के भी गांधी हो जाएंगे। इसमें जो है ये मेरे को लगता है ये बातें आसाई है कि गोडसे को जिंदा किया गया ताकि चर्चा में ये आए कि भाई हत्यारा तो गोडसे है, और गोडसे को मानने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में एक दो ऐसे दृष्टांत भी आए जिसमें गोडसे जी कह दिया किसी ने, तो गोडसे जी की तस्वीरें घरों में बहुत दूर नहीं जाएंगे। अगर भोपाल की सांसद की बात कर लेंगे तो वो भी उनको देशभक्त बता चुकी हैं तमाम चीजें। शिवव्रत शर्मा जी, कांग्रेस का तो आरोप है कि आप हाईजैक कर रहे हैं गांधी को, क्योंकि गांधी पे तो उनको कॉपीराइट है। हाँ, कांग्रेस का तो यही आरोप है कि भाई महात्मा गांधी तो उनके थे, कॉपीराइट उनका था, आप लोगों ने, आप लोग तो हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो बौखला गए। देखिए, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के शरीर की हत्या की, विचारों और गांधी जी के विचारों की हत्या करने वाले अगर कोई है तो ये कांग्रेसी है। कांग्रेस की सरकारों ने गांधी जी के विचारों की हत्या की है, और इसके एक नहीं मैं 10 प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूँ। अभी जी बिल्कुल देखिए, देश आजाद हुआ और आजादी के बाद कांग्रेस सरकार के निर्णय के से मतभेद के चलते माननीय गांधी जी आमरण अनशन में बैठे, और जब वो आमरण अनशन में बैठे तो नेहरू जी ने सार्वजनिक रूप से कहा गांधी मरते हैं तो मरने दें। ये पहला गांधी जी के विचारों की हत्या की शुरुआत हुई, और सरकार ने जितने काम किए वो सारे कार्य गांधी जी के विचारों के विपरीत किए। गांधी जी शिक्षा के क्षेत्र में अलग विचार रखते थे, आप एक बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई इस वक्त मौजूद नहीं है, इसलिए मैं एक बार फिर से चाहूंगी, क्या इस बात को आप पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ कह सकते हैं कि नेहरू जी ने ये कहा कि गांधी मरते हैं तो मरने दें? बड़ा बयान दे रहे हैं आप, जिम्मेदार प्रामाणिकता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। कल एक टीकन जोशी का एक आयोजन था विधानसभा में, और उस आयोजन में स्वयं मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी, हम सब उपस्थित थे, और बड़ी तारीफ की गई उस नाटक इसकी। उसमें नाटक में शब्द का उपयोग हुआ गांधी मरते हैं तो मरने दें, और ये बात इतिहास के तथ्यों में भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी। आप बोलेंगे तो मैं इतिहास की वो पुस्तकें उपलब्ध करा दूंगा। और विचारों की जहां तक हत्या करने की बात है, गांधी जी शिक्षा के क्षेत्र में अलग विचारधारा रखते थे, गांधी जी कृषि के क्षेत्र में अलग विचार रखते थे, और उसका एक उदाहरण मैंने आज विधानसभा में प्रस्तुत भी किया कि जब
पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई और विनोबा भावे को नेहरू जी ने विचार रखने के बुलाया, गांधीवादी विचारक थे, तो उन्होंने कहा कि अन्न के मामले में हमारा देश स्वावलंबी होना चाहिए, किसानों के लिए कृषि नीति बनना चाहिए। एक लाइन में नकार दिया गया कि हम अपना उद्योग बढ़ाएंगे, अपने उत्पादन को महंगा बेचेंगे और सस्ता अनाज खरीद लेंगे। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, 1965 में अन्न संकट के चलते माननीय लाल बहादुर शास्त्री को सार्वजनिक रूप से उपवास का निवेदन देश की जनता से करना पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में जो लाल मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था चालू की, अंग्रेजों ने उसी शिक्षा, अंग्रेजों ने जो चालू किया उसी को नेहरू जी ने और कांग्रेस शासित सरकारों ने आगे बढ़ाया। इस प्रकार ऐसे दसों उदाहरण आपको मिलेंगे। आज अभी क्या कर रहे हैं, आज मैंने विधानसभा में भी कहा कि भूपेश सरकार का मंत्री कहता है कि बड़ा आदमी बनना है तो कलेक्टर एसपी की कालर पकड़ो। सर ये तो खैर ये बात तो इतर हो जाती है, ये बात तो इतर हो जाती है, क्योंकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष की बात करेंगे तो ऐसे कई आपके मंत्रियों के बयानात मैं यहाँ पे सुना भी दूंगी और दिखा भी दूंगी, जिससे आप खुद बैकफुट पे आ जाएंगे। चर्चा को हम इधर न कर, कहीं और डाइवर्ट न करते हुए जी गौरी जी, जब अपने आप को गांधी का विचारक बताते हैं, गांधी के उत्तराधिकारी बताते हैं, तो गांधी के विचारों के अनुरूप काम भी तो करो। ये उदाहरण है, ये गांधी के विचारों के अनुरूप कितना काम करें इसका उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है। बिल्कुल, बाकी मैं आप लगातार कई उदाहरण रख भी रहे हैं और हम चाह भी रहे हैं कि हमारे साथ हमारे गेस्ट भी ज्वाइन कर लें, जिनसे मैं इन तमाम सवालों के जवाब दूं जो सारे क्वेश्चन आप पुट अप कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरह से एक एग्जाम्पल, एक नाटक के जरिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे शिवरत्न शर्मा जी ने रखा है, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि ये जिस तरह का शिवरत्न शर्मा जी ने स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ड्रास्टिक चेंज लेके आएगा। बाबूलाल शर्मा जी, देखिए मैंने नाटक तो नहीं देखा इसलिए मैं उस पर नहीं कहूंगा, लेकिन मैं मैंने आपको कहा जी कि जैसे भगवत गीता के 284 शोध हुए हैं, उस पर अपने अपने तरीके से लोगों ने शोध किया, अपने अपने तरीके से एक पात्र का की मीमांसा की, विवेचना की है। उसी तरह गांधी जी के इस बारे में जो है मेरी जानकारी में 58 लोगों ने शोध किया है और अपने अपने तरीके से किया, अपनी अपनी विचारधारा के साथ किया है। ठीक है, अभी मेरे सामने एक आलेख रखा हुआ है, इसी महीने के इंडिया टुडे में छपा है, उसमें एक बात कही गई है जो हमने कहीं भी नहीं पढ़ी। वो लिखा है, बाबा साहब आम्बेडकर सुतिल थे जिनके प्रयासों से संघ ने महात्मा गांधी का नाम सुबह की प्रार्थना में संघ में, महात्मा गांधी का नाम संघ में शामिल किया। देखिए आप, अब ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। बात 1964 की है, वे अक्सर कहते थे कि महात्मा गांधी भारत की आत्मा थे और वीर सावरकर शरीर, फिर पूछते थे कि भला बिना शरीर के आत्मा का क्या होगा। अब देखिए, इन्होंने अपने विचारधारा के आधार पर इसका शोध किया और ये नई चीज निकाली। उधर आज विधानसभा में वीर सावरकर की जो है जो बात कही गई वो बड़ी विचित्र बात थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी के मर्म को चोट पहुंची और वो लोग बुरी तरह से बिलबिला गए और उन्होंने जो है यहाँ तक निर्णय ले लिया कि बहिष्कार करके वो बाहर चले गए। तो ये अपने अपने ढंग से मीमांसा लोग करते हैं, लेखक गण जो है, हम भी लेखक हैं, हम भी जानते हैं विचारधारा के अनुसार कैसे थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा करना पड़ता है और कर देते हैं, कई प्रकार की बातें आती है। ये जो है बिल्कुल सही शिवरतन जी ने कहा था कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, वही हम कह रहे हैं। हमने गांधी को न देखा है, न उनके युग को देखा है। बिल्कुल, इतिहास में कहीं लिखा हुआ है, जिसने जिस तरीके से भी सोचा उसी तरह से उनको उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। बिल्कुल, धर्मजीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मजीत जी, बहुत स्वागत है, बहुत लेट ज्वाइन किया हालांकि आपने डिबेट को। रिएक्शन चाहूंगी, जिस तरह से सदन बुलाया गया था, 2 दिन का विशेष सत्र था, चर्चा होनी थी गांधी जी के विचारों पर, लेकिन चर्चा को डाइवर्ट कर दिया गया और चली गई सावरकर और गोडसे। गोडसे मतलब कल पूरे दिन ट्रेंड करते रहे गांधी जी की 150वीं जयंती पर। रिएक्शन चाहूंगी आपका। देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। हेलो जी जी सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने एक बहुत ही सराहनीय पहल किया कि महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 2 दिन का सत्र आहूत किया,
ये एक संदेश था पूरे देश के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, कि छत्तीसगढ़ की कृतज्ञ जनता गांधी जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित हम करते हैं। और छत्तीसगढ़ में कोई भी लोकतांत्रिक जो सरकार है वो गांधी जी के रास्ते पर चलने का प्रयास करे, और छत्तीसगढ़ के सभी दल के लोग गांधी जी के बताए रास्ते पर चल के छत्तीसगढ़ के 19,000 गांवों को मजबूत हम कर सके। बात जब गांधी के श्रद्धांजलि की हो रही थी या 150वीं जयंती की, तो उसमें कोई विवादास्पद मुद्दा सरकार की तरफ से उठा करके इस पूरे मामले में एक गतिरोध पैदा करने का प्रयास हुआ, जो कि गलत है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी इंदिरा जी की कोई श्रद्धांजलि सभा होती है तो कोई सतवंत सिंह और बेअंत सिंह की चर्चा उसमें नहीं करता। जब श्री राजीव गांधी के हत्या की चर्चा होती है और जब उनकी जयंती होती है तो कोई तनु और धनु की चर्चा नहीं करता। तो गांधी के हत्यारे के रूप में गोडसे को बच्चा बच्चा जानता है और गोडसे से कोई भी सहमत नहीं है, क्योंकि हत्या से कोई भी सहमत इस देश में नहीं होता, खास करके राजनेता, संत, महापुरुष और जो जनसेवा का काम करने वाले लोग हैं, उसे एक हत्यारा एक छोटी सी गोली से मार करके उसकी हत्या कर देता है, लेकिन उसके विचारों की हत्या नहीं हो कर सकता। तो गोडसे की चर्चा का जिक्र ही नहीं होना था, तो ज्यादा गंभीर, ज्यादा सारगर्भित तरीके से गांधी की चर्चा और भी अच्छे से हो सकती थी, ये मेरी मान्यता है। इसलिए ये जो शुरुआत ही सत्ता पक्ष के लोगों ने गोडसे और दुनिया भर की बातों को करके गांधी जी के श्रद्धांजलि को ट्विस्ट करने का जो काम किया है, वो बहुत ही गलत है। बिल्कुल, वाकई में हम चाह भी रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व यहाँ पे करे, ताकि उनके रिएक्शन भी हम जानते। हालांकि वक्त अब बिल्कुल नहीं बचा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए, धर्मजीत जी, आपका भी, शिवरत्न जी आपका भी, और बाबूलाल शर्मा जी आपका भी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र का समापन तो हो गया। पक्ष विपक्ष में तीखी तकरार के बाद सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। चर्चा होनी थी महात्मा गांधी के विचारों पर, लेकिन ट्रेंड करते रहे गोट से। चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।